दोस्तों, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, आई होप इट ऑल मेक्स सेंस. आपको समझ लग गई होगी कि अगर प्रोजेक्ट का बिगिनिंग तगड़ा है तो बस फिर बेस सेट हो गई. इट सेट्स अप द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्स. सो बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा था, खतो किताबत में आप सलाम दुआ करते. अब जो सेकेंड एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज समराइजिंग एम्प्लॉयर्स प्रोजेक्ट ब्रीफ. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, वैसे तो मैं स्क्रीन पे जाके भी दिखाऊंगा उसी प्रोजेक्ट को लेते हुए जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा, एम्प्लॉयर ने कहा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए. अब ये चाहिए क्या है? ये उसकी पूरी डिटेल्ड ब्रीफ है जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसका प्रोजेक्ट समझ जाएंगे, आप उसका प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड कर जाएंगे. अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस प्रोजेक्ट की ब्रीफ को समराइज कीजिए ताकि जब आप बिड पे डालेंगे तो एम्प्लॉयर को समझ लगे, पता लगे, एहसास हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई इस फ्रीलांसर ने मेरा प्रोजेक्ट पढ़ा है और उसको अपनी जबान में समराइज किया. नहीं समझे? मुझे पता था. ठहर जाओ, स्क्रीन पे चलते. दोस्तों, अब आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो और इस पे वही प्रोजेक्ट जिसको हम डिस्कशन के तौर पे लेके चल रहे हैं, रेनी का प्रोजेक्ट है. और यहाँ पे अब हमें ये समझना है कि प्रोजेक्ट ब्रीफ क्या है और इस प्रोजेक्ट ब्रीफ को मैं समराइज कैसे कर सकता हूँ अपने अल्फाज में, ताकि एम्प्लॉयर को ये भी समझ लग जाए कि हाँ, मुझे इसका प्रोजेक्ट समझ लग गया, मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, एंड नाउ आई नीड टू रीफ्रेज द प्रोजेक्ट इन माई ओन वर्ड्स. देखिएगा, ये देखिए दोस्त, व्हाट आई हैव डन हियर इज, रेनी ने रिक्वायरमेंट भेजी कि मुझे कोड कार्ड्स चाहिए फॉर फेसबुक, फॉर इंस्टाग्राम, एंड ही इज लुकिंग फॉर अ फास्ट ग्राफिक डिज़ाइनर हु इज़ क्विक, रिस्पॉन्सिव, और आगे प्राइस का भी जिक्र किया. मैंने पूरे प्रोजेक्ट को समराइज कर दिया. मैंने समराइज करके कहा कि भाई, आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर अ फास्ट रिस्पॉन्सिव ग्राफिक डिज़ाइनर टू डिज़ाइन FB. फेसबुक को मैंने समराइज करके FB का वर्ड दिया, कॉमा इंस्टाग्राम कोट कार्ड्स. अब रेनी को समझ लगी कि यार, इस फ्रीलांसर ने मेरा प्रोजेक्ट समझा और उसको समराइज किया. दोस्तों, ये ज़रूर याद रहे कि समरी ओरिजिनल प्रोजेक्ट ब्रीफ को मैच करने के लिए नहीं की जाती. तो कंपटीशन ही चल रहा आपका और एम्प्लॉयर का. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, समरी का वर्ड ही ये डिपिक्ट करता है कि जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट ब्रीफ है उसको आप अपने अल्फाज में स्टेट कर रहे हैं. यहां पे आप देख सकते हो, मैंने रेनी के अल्फाज यूज नहीं किए, एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट विच इज कोट कार्ड्स. अब ये कोट कार्ड्स का वर्ड जाहिर है, उसको चाहिए तो मैं तो यही यूज करूंगा ना. बट अदर देन दैट, आई हैव समराइज्ड कि मुझे समझ लग गई, भाई आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो तेज होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और आपको ये काम चाहिए. सो दिस इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू समराइज द क्लाइंट्स ब्रीफ इन टू योर ओन वर्ड्स. याद रहे, समराइजिंग एम्प्लॉयर्स प्रोजेक्ट डज नॉट मीन कॉपिंग पेस्ट द ओरिजिनल ब्रीफ. इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर फौरन समझ जाएगा कि आपने जान छुड़ाई है, आपने काम चोरी की है, और आप अपने अल्फाज में अगर बात नहीं लिख सकते कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है तो आप आगे क्या काम करेंगे. सो इट हैज़ टू बी इन योर ओन वर्ड्स एंड इट हैज़ टू बी शॉर्ट.